दोनों के दायरे में सिमट के आएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो कितना पसीने में खड़ा हूं यहां, यहां आते हैं तो पसीना बहुत निकलता है। ऐसा लगता है जैसे इतनी एनर्जी है इस जगह पर, इतना फायर है इस जगह पर कि आप बैठो तो आप सुकून से बहुत सॉफ्ट बैठ नहीं सकते, क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद हैं हजारों की तादाद में खड़े हुए। तब मुझे लग रहा है वो किसी का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप मेरी मोहब्बत में खड़े हैं, मैं आपकी मोहब्बत में खड़ा हूं। मैंने इसलिए थोड़ी कहा था कि आप पानी पिलाने लगो, हवा देने लगो, ऐसी कोई जरूरत नहीं। इतना कमजोर नहीं हूं, मोम का पुतला नहीं हूं। हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ यारो, पेड़ से आए हैं पिंजरे से नहीं आए हैं। के दायरे में सिमट के आएगा। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार हो। एक एक मिसरा, एक एक लफ्ज आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करे तो यहां से वहां तक एक एक हाथ उठा हुआ चाहिए मुझे चौथे मिसरे पे। के दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। शिपुर वालों का भी सोचा है आपके खिलाफ साजिशें कितनी हैं, आपके भाई के खिलाफ, आपके मोहब्बत वाले रहनुमा के खिलाफ इतनी साजिशें क्यों हैं? वो मुझे किसी ने किस्सा सुनाया एक दिन कि एक जुगनू जंगल में सुकून से रहता था, शाम होती थी चमकता था, अपनी जिंदगी सुकून से जी रहा था। एक सांप उसे बैठ के लगातार देखा करता था। एक दिन सांप को पता नहीं क्या सूझा, उसने सोचा ये जुगनू ये तो रोशनी दे रहा है, आज तो इसे निगल ही जाऊंगा। वो उसके पीछे पड़ गया, जुगनू आगे आगे, सांप पीछे पीछे, भागता रहा भागता रहा। जुगनू को लगा मैं कितना भागूंगा, फिर उसने सोचा मुझे पलट के पूछना चाहिए इस सांप से कि भाई क्यों दुश्मनी क्यों। वो पलटा, उसने सांप से कहा भाई तुम मुझे निगलना चाहते हो, निगल लेना, मेरे दो सवाल हैं उसका जवाब दे दो। तो सांप ने कहा अच्छा बताओ। तो जुगनू ने कहा ये बताओ तुम जिस तरह की चीजें खाते हो क्या मैं उसमें आता हूं? तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा सांप से ये बताओ मैंने तुम्हारा कोई नुकसान किया है? तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा कि जब मैं तुम्हारी पसंदीदा खाने वाली चीज भी नहीं हूं, मैंने तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं किया है, तो तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? सांप के जवाब पे यहां से वहां तक आपकी तालियां बजे। सांप ने कहा मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूं क्योंकि तुम चमकते बहुत ज्यादा हो। दरअसल इस दौर में चमकना ही सबसे बड़ा कसूर है, इस दौर में बोलना ही सबसे बड़ा कसूर है, इस दौर में मजलूमों के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ा कसूर है, लेकिन मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, डरने से काम नहीं चलेगा। हम डरने वाले लोग नहीं है, अमीरे शहर तेरा हुक्म मान ले लेकिन, अमीरे शहर तेरा हुक्म मान ले लेकिन, किसी फकीर की आवाज रोक लेती है। तमाम शहर तेरे हक में बोलता है मगर मुझे जमीर की आवाज रोक लेती है। हम जमीर की आवाज पर बोलने वाले लोग हैं, आगे बढ़ने वाले लोग हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको, इन दिनों पूरे मुल्क में इस नज्म को पढ़ रहा हूं। आपने देखा होगा कि पिछले दो साल से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हूं,
और आपके हर मुद्दे पर वहां लड़ रहा हूं। जब मुझे पार्लियामेंट में पहली बार स्पीच करने का मौका मिला तो मेरा खुदा गवाह है कि मैंने सबसे पहले पार्लियामेंट में जो अपनी स्पीच की तो वो तालीम के लिए की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए की, जामिया के लिए की, जेएनयू के लिए की, नजीब के लिए की, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं तो आपकी गलियों में पला बढ़ा इंसान हूं। आपकी दुआओं ने इतना बड़ा बनाया कि आज हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अदालत में, सबसे बड़ी पार्लियामेंट में मेंबर आप पार्लियामेंट बन के बैठा हूं, तो ये आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। मैं इन दुआओं का कर्ज उतारने के लिए यहां पे आया हूं। एक दिन हम सारे लोग पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो एक साथ 146 एमपी, 146 एमपीज एक साथ सस्पेंड कर दिए गए। जब मैं पार्लियामेंट से बाहर निकला तो मीडिया के साथ ही खड़े थे, उन्होंने कहा इमरान साहब सस्पेंड कर दिए गए, बुरा लग रहा है। मैंने कहा नहीं, खुश हूं, ये तो हमारे लिए तमगा है, अवार्ड की तरह है, बोलने पर सस्पेंड किया गया है तो हम तो बोलते रहेंगे। मैंने एक नज्म वहीं पर कही और मीडिया के साथियों को सुनाई, आपको भी सुनाता हूं, आपकी मोहब्बतें मिलेंगी तो मुझे लगेगा कि मेरी नज्म कामयाब रही। के जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। तैयार है ना शिवपुर वालों? के जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, के सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। इधर जो डाइस पे बैठे हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि अब अगले 30-35 मिनट मुझे लगना चाहिए कि इधर सामने डाइस पे भी लोग जो बैठे हैं ये बड़े जिंदा दिल लोग हैं। देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी प्रोग्राम का दो हिस्सा होता है, एक जो 4 फीट ऊंचे स्टेज पे बैठा है और एक वो जो 4 फीट नीचे या तो खड़ा है या बैठा है। लेकिन मैं इनको बड़ा नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि जो सामने लोग बैठे हैं ये ज्यादा बड़े हैं, ये ज्यादा अहम है। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस तरह तराजू होती है, तराजू में दो पल्ले होते हैं, किसी भी प्रोग्राम में भी तराजू के दो ही पल्ले होते हैं, एक इस तरफ होता है, एक सामने होता है। सामने वाला नीचे होता है, ये ऊपर होता है। लेकिन जो ऊपर है इसका मतलब ये नहीं कि वो मोतबर है और जो नीचे है वो कमतर है, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि तराजू का वही पल्ला नीचे होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, आपके बिना इस प्रोग्राम की कोई अहमियत नहीं। कितना भी सजा लो, तिरंगे से सजा लो, कितने भी खूबसूरत खूबसूरत रंग लगा लो, लेकिन जब तक आप नहीं तब तक किसी प्रोग्राम की कोई अहमियत नहीं। मैं फिर से पढ़ता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और अब ये मिसरे के सख्त हालात से नहीं डरते, पढ़ मैं रहा हूं, ये मिसरे हैं किसी और के लिए, वो बोल रहा था के सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते। जब भी मुश्किलें आती हैं तो ये समझ लो कि कोई खूबसूरत दिन आने वाला है, इसलिए मुश्किलें आई हैं। तो आज मायूस मत होना, मायूसी कुफ्र है शिवपुर वालों, उदास और मायूस होने की जरूरत नहीं है। जब भी मायूसी आएगी आपके अंदर, कहीं ना कहीं उदासी आएगी तो एक खूबसूरत सुबह आपका इंतजार कर रही है। कि जुल्म की रात से नहीं डरते,
सख्त हालात से नहीं डरते, तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते, जुल्म के हाकिमों को चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। और ये जो चार दूसरे हैं, इस पर जो अपनी तालियां रोक सके वो मुझे रोक के दिखाए कि देखना इंकलाब आएगा। मेरा ईमान बोल रहा है, मेरा यकीन बोल रहा है कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी हर सितम का जवाब आएगा। देख आएगा कि नहीं आएगा, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं ना, तो मैं फिर से पढ़ता हूं, मुझे पीछे तक एक हाथ उठा करके दुआ चाहिए, क्योंकि जिस दौर में मैं बोल रहा हूं ये बोलना बहुत मुश्किल है, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, मैं हिम्मत कर रहा हूं कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा, हम तो निकले आपने देखा क्या शमीम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं देखा ना, देखेंगे भी नहीं, आपने तमाम मुश्किलों में कभी देखा इमरान के चेहरे पर शिकन नहीं नहीं, हम तमाम तरह की दुश्वारियां झेलते हैं लेकिन मुस्कुराते हैं, हम इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि हमारी आने वाली नस्लों को हौसला रहे, ये मुस्कुराते रहे, ये कमजोर ना पड़े, तब इमरान के मिसरे पड़ता है कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो दिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और हम जैसे जितने लोग हैं इन्हें हमेशा दुश्वारियां झेलनी है, हम पैदा ही हुए हैं दुश्वारियां झेलने के लिए, इसलिए मायूस मत होना, इमरान मिसरे पढ़ रहा है कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, हमारी फितरत के जो लोग हैं उनके लिए ये मिसरे हैं कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को पसंद करते हैं, झूठ को ना पसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं, हाकी में वक्त से अदावत है, हाकी में वक्त से अदावत है, वो हमें
कम कम पसंद करते हैं, वो हमें कम कम पसंद करते हैं। इन अंधेरी सियाह रातों में एक दिया हम जला के निकले हैं। हाँ अगर मुस्कुरा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप। थक तो नहीं गए? जब आपको लगे कि आप थक गए तो मुझे बता देना, मैं अपनी जगह ले लूंगा। मैं नहीं थका हूं, मैं मुसलसल चल रहा हूं लेकिन थका नहीं हूं, और इंशाल्लाह आने वाली सदियों तक नहीं थकूंगा, ये आपसे वादा कर रहा हूं। कि मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था। थोड़ा सा इको कम कर दे, बहुत ज्यादा इको। आवाज क्लियर समझ में आ रही है? आ रही है? थोड़ा सा इको इसका कम कर दे। मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, सेरोस मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। उसने किसी भी दौर में बुझने नहीं दिया। वतो इज्जो मंतशा, वतो जिल्लो मंतशा, उसने किसी भी दौर में बुझने नहीं दिया। वतो इज्जो मंतशा, वतो जिल्लो मंतशा, मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा। पूरे शिवपुर की तरफ से मिसरे पढ़ रहा हूं। कि मेरे मुखालिफीन भी समझेंगे फलसफा, वतो इज्जो मंतशा, वतो जिल्लो मंतशा, वतो इज्जो मंतशा, वतो जिल्लो मंतशा। जिसको भी जो दिया है उसी रब ने है दिया। वतो इज्जो मंतशा, वतो जिल्लो मंतशा, बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी। पढ़ मैं रहा हूं लेकिन आपको लगेगा कि माइक पे शमीम खड़ा है, ये मिसरे पढ़ रहा है। के बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी। बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी। कश्ती भंवर में थी मेरी किस्मत खिलाफ थी, और उस पे ना खुदाओं की नीयत खिलाफ थी। अल्लाह ने बना दिया पानी में रास्ता। वतो इज्जो मंतशा, वतो जिल्लो मंतशा, अल्लाह ने बना दिया पानी में रास्ता। वतो इज्जो मंतशा, वतो जिल्लो मंतशा, के दुनिया अगर जे बड़े सवाल, अल्लाह जानता था मगर मेरे दिल का हाल। दुनिया उठा रही थी अगर जे बड़े सवाल, अल्लाह जानता था मगर मेरे दिल का हाल। एक इम्तिहान के दौर से गुजरा मैं इंदी
दिनों लेकिन न कोई रंज रखा न कोई मलाल। मैं तो हूँ चीख चीख के सच बोलता रहा وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ نے بنا دیا پانی پہ راستہ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ آخر میں ایک نظم پڑھ کے آپ سب سے وداع لوں گا एक नज्म जो इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूं। दुनिया के नक्शे पे एक मुल्क है जिसे पूरी दुनिया मुल्क मानने को तैयार नहीं। मैं फलस्तीन की बात कर रहा हूं। फलस्तीन से हिंदुस्तान की हुकूमतों का एक जज्बाती रिश्ता रहा। यासीर अराफात को उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी हमेशा अपना मानती थी और मुझे खुशी है कि सोशल मीडिया पे मौजूदा सरकार के भक्त कुछ भी लिखें लेकिन यूएनओ हो या फिर कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो सरकार को इंदिरा गांधी जी का बताया हुआ जो रास्ता है उस रास्ते पर चलते हुए आज भी फलस्तीन का सपोर्ट करना पड़ता है। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ। इन दिनों ये नज्म पूरी दुनिया में बहुत सुनी जा रही है। मैं शिवपुर हावड़ा में नहीं पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा कि कुछ अधूरा अधूरा सा रह गया। मैं फलस्तीन के लिए दुआ के हाथ उठाता हूँ। वही पढ़ने चल रहा हूँ। मैं फलस्तीन के लिए दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ और जब भी कोई दुआ करने के लिए हाथ उठाओ तो एक नज़्म याद आती है, अल्लामा इकबाल की लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं इस नज़्म का एक मिसरा लेता हूँ और एक पूरी नई नज़्म बनाता हूँ और चाहता हूँ कि एक बार मुझे आप माहौल दें इस नज़्म को सुनाने के लिए। यहाँ से वहां तक पीछे तक मेरी दुआ में मेरे साथ शामिल हो। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। एकदम मुझे वो माहौल चाहिए कि जब किसी खास लम्हे में आप अपने दिल के करीब कोई मरहला है उसके लिए दुआ कर रहे हैं वैसा माहौल मुझे चाहिए। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ये फैन थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है? बंद हो सकता हो तो इसे बंद कर दीजिए। बंद कर दिया। मैं कोई शोर नहीं चाहता। ठीक है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे। हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे। हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर में किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे। एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन बन के तमन्ना मेरी।
के अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबले अव्वल की दुआएं सुन ले, तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा, लम्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का, बहुत रोया हूँ मैं इस बंद को कहते हुए। मैं दाईस पे बैठे हुए अपने बुजुर्गों से भी दुआएं मांगता हूँ, सामने खड़े अपने नौजवान साथियों से, के दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो वक्त तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, लश्करे फील जहालत में उतर आया है, लश्करे फील जहालत